आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाने से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक बंद है। वहीं बैरोड से आज तीसरे दिन भी ट्रैफिक को ततारपुर चौराहे से किशनगढ़ बास और भिवाड़ी के रास्ते हरियाणा की धारूहेड़ा निकाला जा रहा है, तो वहीं कस्बे के मध्य से कुंड रोड होते हुए रेवाड़ी हरियाणा से निकाला जा रहा है। तीन दिन में करीब 3 लाख वाहनों को डाइवर्ट किया जा चुका है। ऐसे में न केवल वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि निमराना शाहजहांपुर हरियाणा की बावल उद्योग में जाने वाले दैनिक श्रमिकों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सरा देखिए किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, और डाइवर्ट जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को किया गया। दिल्ली से जो जयपुर आ रहे हैं उन वाहनों को डाइवर्ट नहीं किया गया है। तीसरे दिन भी ट्रैफिक नजर आया ततारपुर चौराहे से किशनगढ़ बास और भिवाड़ी के रास्ते होते हुए हरियाणा के धारूहेड़ा तक डाइवर्ट किया जा रहा है, और लंबी लंबी कतारें, वाहनों की लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, 3 दिन हो चुके हैं, सबसे व्यस्तम हाईवे में से एक है, ऐसे में अगर लगातार डाइवर्सन होगा तो ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं वो तेजी से बढ़ती जाएगी, और जो उस इलाके के आसपास के लोग हैं उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर विजेंद्र, आज तीसरा दिन है और ये लाइफ लाइन है पूरी तरह से बंद है। ये एक मार्ग, मैं कहूँगा राम ने उसे दिखाएं कि ये एक मार्ग जो देख रहे हैं आप साफ तौर पर, ये चालू है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ आता है, इसमें भी ट्रैफिक जो है करीब 50% ही रह गया है, लेकिन फिर भी ये लाइन पूरी तरह से चालू है। और ये दूसरी लाइन जो है, ये किसान इस पर बैठे हैं और आज जो है इस पर दूरी 300 से 400 मीटर की दूरी जो है वहाँ तक किसानों की संख्या पहुँच गई है, ट्रैक्टर्स की संख्या कुछ बढ़ी है, और ये अलाव आज किसान यहाँ पर तापते दिख रहे हैं। ये चूल्हा यहाँ पर जलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि सब लोग ट्रैक्टर ट्राली या दूसरी गाड़ियों से जो लोग आए वो अपने साथ खाने पकाने का सामान, ओढ़ने बिछाने का सामान वो सब लेकर आए। आगे आप देखेंगे कि रात के बिस्तर हैं, आज बहुत कोहरा यहाँ पर है और रात का जो तापमान है वो भी 6 से 7 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच गया था, तो सर्दी जो है वो लगातार बढ़ने लगी है और किसानों की समस्या सर्दी बढ़ा सकती है। ये मैं कहूँगा एक बार रामनिवास से ऊपर करके दिखाएं कि दूर तक ट्रैक्टर और ये जो गाड़ियाँ जो हैं वो अब यहाँ पर दिखने लगी हैं, और यहाँ का जो तस्वीरें हैं वो अब अलग होने लगी हैं। जो पहले दिन बहुत कम संख्या में किसान थे, उससे पहले रामपाल जाट जो है अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर बैठे थे, अब वो जो पड़ाव जो है यहाँ पर वो किसानों का बढ़ने लगा है, संख्या बढ़ने लगी है, और ये पूरा हाईवे जो है वो किसानों के कब्जे में आ गया है। दिल्ली की तरफ जाने वाले जो लोग हैं जयपुर से, चूंकि संख्या बहुत होती है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है और ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली लाइफलाइन भी है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उन सब लोगों को डाइवर्ट किया गया है। अलवर होकर निकलने की एक एडवाइजरी जारी की गई कि जो जयपुर से दिल्ली जाने हैं वो अलवर होकर निकलें, या तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का उपयोग करें और सिकंदरा, अलवर और भिवाड़ी होते हुए वो मानेसर से दिल्ली निकलें, या फिर शाहपुरा से अलवर निकलें और फिर भिवाड़ी होते हुए वो दिल्ली निकल सकते हैं। एक एडवाइजरी जारी की गई कि इस रास्ते से जाने से बचना चाहिए, लेकिन जो भी वाहन उसके बावजूद भी यहाँ से आ रहे हैं तो रेवाड़ी नारनोल से भी उनके पास एक विकल्प है कि कोटपुतली या भैरोड से डाइवर्ट होके वो रेवाड़ी या नारनोल होते हुए भी दिल्ली जा सकते हैं, या फिर ततारपुर से किशनगढ़ होते हुए भिवाड़ी और फिर वो दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि लोगों को आवाजाही की परेशानी अब ज़्यादा बढ़ने लगी है, किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। सिंधु बॉर्डर पर जो चर्चा सरकार से होनी थी, 5वें चरण के बाद चर्चा नहीं हो सकी है, और किसानों की ओर से साफ तौर पर 3 बिंदु रखे गए हैं कि सरकार अगर पुराने एजेंडों को त्याग देती है, नए सिरे से एजेंडा रखकर बात करती है, और तीसरे बात में कहा गया है कि कानून को ख़त्म करने की अगर बात की जाती है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं और अगले चरण की बातचीत हो सकती है। लेकिन सरकार संशोधन की बात कर रही है, राजस्थान से कहीं तो रामपाल जाट, और दूसरी तरफ अगर कहीं दक्षिण हरियाणा से तो योगेंद्र यादव, क्या दोनों वहां पर मौजूद हैं और वो अगुवाई कर रहे हैं? लगता है कि ये पड़ाव किसानों का जारी रहेगा। विजेंद्र अश्विनी, सवाल ये था कि क्या योगेंद्र यादव और रामपाल जाट वहां पर मौजूद हैं, क्या वही अगुवाई कर रहे हैं, आगे के दिशा निर्देश दे रहे हैं?
तौर पर विजेंद्र, रामपाल जाट और योगेंद्र यादव यहाँ मौजूद हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी मोर्चों पर जो दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे हैं वहाँ नेतृत्व किया जा रहा है। यहाँ जो बैनर है संयुक्त किसान मोर्चा का है, लेकिन जो नेतृत्व है वो उन्हीं दो लोगों के हाथ में है, योगेंद्र यादव और रामपाल जाट, दोनों लोग इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। योगेंद्र यादव कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, बाकी सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या वो लोग कर रहे हैं और वो जो किसानों की 30 लोगों की समिति बनाई गई उस समिति का अगला कदम क्या होगा, योगेंद्र यादव यहीं पर अपने साथियों पर वही तफसील से बताते हैं और अगला कार्यक्रम तय होता है कि आगे क्या किया जाएगा। फिलहाल सर्दी तेज है किसानों के लिए, सुबह का जो लोग अपने साथ रसोई का सामान लेकर आए थे उन्होंने अपने रसोई का सामान बनाना, चाय बनाना और दूसरा काम यहाँ पर शुरू किया है। योगेंद्र यादव की ओर से आज कोई गाइडलाइन यहाँ पर नहीं आई है कि किसान आज क्या करेंगे, पड़ाव की गाइडलाइन है, कुछ गाने बजाए जा रहे हैं और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। नई गाइडलाइन जिस तरह योगेंद्र यादव यहाँ बताते हैं उसके अनुसार मूवमेंट होता है। यहाँ विधायक बलवान पूनिया और पूर्व विधायक पवन दुग्गल, अमराराम और ये लोग भी थे। हालांकि रात्रि में जब ठंड तेज हुई तो यहाँ मौजूद महिलाओं को पास के गांव में शिफ्ट किया गया कि तेज ठंड के कारणों पास के गांव में शरण ले लें। आसपास के गांव में शरण लेने के बाद वापस महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी और फिर वापस पड़ाव में शामिल होंगी। विजेंद्र, अश्विनी, महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर और कुल संख्या की अगर बात की जाए तो कितने किसान यहाँ इस वक्त मौजूद हैं? क्या आपको लग रहा है, आपके पास जो लोकल इंफॉर्मेशन होगी वहां की, क्या इंफॉर्मेशन वो कह रही है कि संख्या बढ़ने वाली है या घटने वाली है? अश्विनी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा यह है कि लोकल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है इस आंदोलन को लेकर, शाहजहांपुर बॉर्डर को लेकर, कि यहां पर संख्या बढ़ने वाली है किसानों की या फिर कुछ वक्त के बाद यहां से किसान पलायन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट किसान आंदोलन का दिखाई नहीं दिया है। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली जयपुर हाईवे की, शाहजहांपुर की, जहां से डायवर्जन किया गया, या कहें कि किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के किसान आंदोलन का हिस्सा बनते हुए हाईवे को जाम कर रहे हैं।